बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु वंदो सदगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। जो कदी मेहर करे मासुक तो दूजा अंग देवे दिल आन। तो सुख लेवे सब अंग को जो सब सुख देवे सुभान। जो सब सुख देवे सुभान। जो कदी आसिक खोले नैन को प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस सागर ग्रंथ के रूप में हमें वो नीति दी है जिसकी गरिमा का आकलन हम कर नहीं पाते। हमारे समाज में भी जब भजन बनाए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से लिख दिया जाता है कि धामधनी आप तो सागर हैं हम लहर हैं, आप सूरज हैं हम किरण हैं। वाणी इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करती है। ये ठीक है, अपने अहं को समाप्त करने के लिए हम ऐसी बात कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। निस्बत के सागर का जो प्रकरण है उसकी अंतिम चौपाई क्या कहती है, श्री महामत के ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर लो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर। निस्बत के स्वरूप कौन है, रूहे। निस्बत के स्वरूप कौन है, श्यामा जी। निस्बत के स्वरूप कौन है, परम धाम के 25 पक्ष। श्री महामत के मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, अक्षरातीत का हृदय यदि इश्क का सागर है तो निस्बत के स्वरूप जितने हैं वे भी इश्क के सागर हैं। लेकिन कैसे आश्चर्य की बात है, निस्बत के सागर जिनको वाणी ने कहा है कि तुम निस्बत के सागर हो, क्या मांगते हैं। यदि वाणी से विवेक हो गया तो मांगेगा कि राज्य ना चाहूं मैं बुजुर्ग की ना चाहूं किताब खुदा है। इश्क दीजो मुहे अपनो मेरा यही सो मुद्दा है। किरंतन में तो कह दिया, किस अवस्था में, जब हम सामान्य सी अवस्था में होते हैं तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर हम अपने कदम धनी की तरफ चलाने लगते हैं, उस समय की अवस्था है। जब आप सिंधी में प्रवेश करेंगे तो आपको यह सुनने को मिलेगा, इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुदी ये भी गुनाह हो। यदि मैं आपसे प्रेम मांगती हूँ तो गुनाह है, क्यों, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को अभी जाना नहीं है। सागर सागर से क्या मांगेगा, महाराजा से कोई भिक्षुक तो मांग सकता है, भिक्षुणी मांग सकती है कि कुछ चांदी के सोने के सिक्के दे दीजिए। जो स्वयं सम्राट की अर्धांगनी क्या पूर्णांगी, स्वयं सम्राट हो वो किसके आगे क्या मांगेगा। आप अपनी परात्म की नज़र से देखें तो आप भी तो इश्क के वही सागर हैं जो सिंहासन में मूल मिलावे पर बैठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने को राज्य मान लीजिए, माया का तन लेकर हमें राज्य कहलाने का अधिकार नहीं है, यह शोभा केवल महामति की है। लेकिन बातिनी रूप से यदि हम परम धाम की दृष्टि से देखें तो हम अपने स्वरूप के बारे में जान पाएंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। जब तक ये शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, जीव भाव नहीं हटता और आत्मभाव परात्म भाव में विलीन नहीं होता,
परात्म का स्वरूप जब तक राज्य के हृदय में डूबकर स्वयं को समाप्त नहीं कर लेता, तब तक ये कहलाने का किसी को अधिकार नहीं है कि हम भी वही हैं जो धाम धनी है। वाणी में एक चौपाई आती है, ब्रह्म शिष्ट कही वेद ने ब्रह्म जैसी तत्वगत। ब्रह्म जैसी तत्वगत की अवस्था कब आएगी? जब हम उस अवस्था को प्राप्त करने गए। ये प्रकरण प्रारंभ होता है इस चौपाई से, अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है इत आय करो, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। पूरे समाज में ये चौपाई बहुत प्रेम से गाई जाती है, सब सुंदर सा झूम उठते हैं, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि इस चौपाई का जो पहला चरण है अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है कितने गहरे भावों को लिए हुए। एक बात वाणी में बार बार कही जाती है, ऊपर तले अर्ज न कहया, अर्ज कहया मोमिन क्लो। सारी सृष्टि में खोजने जाइए तो अर्ज कहां मिलेगा, परम धाम कहां है? आप देखेंगे, एक बात समझनी चाहिए, आप सब सुंदर सात पद्मावतीपुरी धाम में आए हैं, इसकी महत्ता का कारण क्या है? सोने की ईंटों से कोई मंदिर बना सकता है, आप देखिए ना, स्वर्ण मंदिर पूरी दीवार सोने के पत्थर से चढ़ाई गई है, न जाने कितने कुंतल वहां सोना लगा होगा। सोने की ईंटों से मंदिर बना दिया जाए, हीरे मोतियों की झालरें लटका दी जाए, तो भी उसकी महत्ता गुमर जी के बराबर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उस मंदिर में झूले पर स्वयं महामती जी विराजमान है, जिनके धाम हृदय में युगल स्वरूप की बैठक है। वाणी क्या कहती है? कोई दूजा मर्द ने कहा भी एक मेहदी पाक पूरन खेलसी रास मिल जागनी 36,000 सयन। इस जागनी लीला में अक्षरातीत कहलाने की शोभा केवल महामती को है। ब्रह्मात्माओं को यह एहसास करना होगा कि हम वहदत के स्वरूप हैं, निस्बत के स्वरूप हैं, वहदत और निस्बत की मार्फत की दृष्टि से हम भी राज्य के स्वरूप हैं, लेकिन इस संसार में नहीं, इस संसार में केवल महामती जी की आत्मा को मूल स्वरूप ने शोभा दे दी है। इसलिए कोई परमंश कितनी भी जागनी करता है श्री जी के चरणों में आकर शीश झुकाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि महामती जी ने यह शोभा धारण कर रखी है और उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। किंतु हमें भी अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसाने का अधिकार है, लेकिन राज्य कहलाने का इस खेल में अधिकार नहीं है। एहसास कराने का अधिकार है, यह एहसास करने का अधिकार है कि परात्म की दृष्टि से हम भी वही हैं, लेकिन जब तक लीला चल रही है हम स्वयं को अक्षरातीत नहीं कर सकते, क्योंकि परम धाम में राज्य के सिवा कोई दूसरा नहीं है। खिलौने जो हक्के सो दूसरा के कहलाए, ये दूसरा तो कहलाए जो होवे कोई इब्तदा है। मूल मिलावे में भी राज्य के साथ सखियां बैठी हैं, परम धाम का कड़कड़ राज्य का स्वरूप है, राज्य से भिन्न कोई नहीं है, लेकिन इस खेल में जब वही आत्मा आती है तो माया के संसार में भटकने लगती है, जीव पर बैठकर स्वयं को भूल गई होती है। जब वाणी का प्रकाश मिलता है तो वही आत्मा स्वयं को जानने की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, चितवनी में लग जाती है और वीरह की अग्नि में तड़पकर स्वयं को इस प्रकार कुंदन बना लेती है। उसके रोम रोम से यही स्वर फूटता है कि मेरा रोम रोम अक्षरातीत का है। आप जानते हैं आसी की परिभाषा में परिभाषा क्या कहती है? रोम रोम में रम रिया पीव आसिक के अंक। आसिक के रोम रोम में उसका प्रीतम बसा होता है। यदि आपके रोम रोम में प्रीतम नहीं बसा है तो आपको राज्य का प्रेमी आसिक कहलाने का अधिकार नहीं है। नाचने कूदने से कोई आसिक नहीं बन सकता, इसकी व्याख्या गलत तरीके से की गई है। बार बार वाणी कह रही है, इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न दे। आपके अंदर राज्य के लिए प्रेम होने का अर्थ क्या है? आपकी आंखें जब राज्य को देखने लगे तो पलके बंद न हो। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न दे, नेत्रों के पलक कभी बंद न हो। कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, कबीर जी की वाणी कभी कभी अध्यात्म के गहरे रहस्य को संकेत करती है। उन्होंने ये कहा है, नैनों की कल कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिकडार के
पेकोरिया इचाए। अब देखिए हमारे नयन होते हैं, नयन में पुतली होती है, तारा होता है। आपके जो नयन है उसमें गोला होता है, गोले में भी एक छोटा गोला होता है, जो छोटा जो एक बड़ा गोला होता है वो पुतली और फिर उसके अंदर एक तारा होता है। नयनों की कल कोठरी पुतली पलंग बिछा है, जो मेरे नेत्रों की काली कोठरी है उस पुतली के अंदर प्रियतम के प्रेम का मैंने पलंग बिछा रखा है। नयनों की चिकडार के चिकते पलकों को, नयनों की चिकडार के पिए को लिया रिझा, मैंने प्रीतम की छवि को अपनी पुतली में बसा लिया है और मैं पलकों को बंद कर रही हूँ ताकि मुझे कोई संसार का कुछ भी अन्य न दिखे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब उसके सिवा कुछ देखने की इच्छा न रह जाए, उसके सिवाय किसी से बात करने की इच्छा न रह जाए, उसके सिवाय किसी अन्य पदार्थ को पाने की इच्छा न रह जाए, उसको कहते हैं प्रेम। तो यह क्या प्रेम सबको प्राप्त है? जागनी ब्रह्मांड की जागनी लीला चल रही है, जागनी रास में हमें क्या करना है? जागनी का अर्थ क्या होता है? ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी होए, हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी अंग देखो सोए। हम जागृत होने का दावा कब ले सकते हैं? जब हक सूरत दिल में चुभे, राज्य की शोभा जब तक दिल में चुभने का तात्पर्य है बस जाना, जब तक हमारी धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा बसती नहीं है तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम जागृत हो गए हैं। यदि आपने तारतम केवल लिया है तो जागने का केवल आपने पहला कदम रखा है। आपने वाणी पढ़ना शुरू किया तो दूसरा कदम हुआ, वाणी का प्रकाश मिलकर अटूट विश्वास हो गया तीसरा कदम हुआ, विश्वास के बाद विरह लिए चौथा कदम हुआ, विरह के बाद प्रेम आया छठवां कदम होगा, प्रेम के बाद धनी की शोभा को दिल में बसा लिया सातवां कदम हुआ, और जब उनके धाम हृदय में डूबकर स्वयं को भुला दिया, अपनी आत्मा को भुला दिया, अपनी परात्म के स्वरूप को भुला दिया, तो ये मारिफत की अवस्था हो गई। इसके बाद कुछ नहीं होता। मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो चुदा, ए मैं खुदी टले तो बाकी रह या खुदा। उस स्वरूप में और राज्य के स्वरूप में कोई भेद नहीं रह जाता, किंतु वह व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो जाएगा, किसके बारे में चर्चा करेगा, क्योंकि तू उससे मिल चुका है। नदी जब सागर में मिलती है तो नदी नहीं कहलाती है, सागर कहलाती है। आत्मा परात्म का श्रृंगार लेकर के जब सज जाएगी, प्रीतम का दीदार करेगी, धाम धनी के हृदय में डुबकी लगाकर स्वयं के अस्तित्व का समापन कर लेगी, तो वो आत्मा या परमात्मा की परिभाषा नहीं रहेगी, क्योंकि मारिफत में डूबने वाला मारिफत का स्वरूप हो जाएगा। हाँ, वो संसार के काम का नहीं रह जाएगा, उससे मंच पर बैठा करके चर्चा कराना संभव नहीं होगा। हाँ, मारिफत की अवस्था में न चर्चा संभव है, न बातचीत संभव है, न संसार की तरफ आंखें खोलकर देखना संभव है। ये प्रक्रिया चल रही है, अभी आप सुन रहे हैं। जो कदी आसिक खोले नयन को तो पहले पकड़े दो पाए। हमारी दो आंखें हैं, आंखें तो कई हैं, बाहर की जो आंखें दिख रही है ना इसको हम नेत्र कहते हैं, आंख कहते हैं। इन आंखों से बाहर के संसार को देखा जाता है, माया की आंखें हैं ये, माया की आंखों से माया के संसार को देखा जाता है, राज्य को नहीं देखा जा सकता। ये जरूर है कि राज्य ने आड़िका लीला करके सारे नियम तोड़ दिए हैं इस सृष्टि के। जब आड़िका लीला होती थी सदगुरु धनी सिंहदेव चंद जी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को विश्वास दिलाने के लिए कि तुम ब्रजराज में आए थे, राज्य श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर सारी लीलाएं करते थे। जब हकी सूरत से प्राण राज्य के स्वरूप में लीला होने लगती है, उदयपुर से ये लीला प्रारंभ होती है और कुछ दिल्ली से ही शुरू हो गई। जब प्रेम जी नाग जी और संग जी ने देखा कि मिहराज कतन नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर तो सदगुरु धनी सिंहदेव चंद जी बैठे हुए दिखते हैं, उदयपुर से सबको साक्षात राजी के दर्शन शुरू हो गए। और बंगला जी दरबार में तो जब श्री जी वाणी की चर्चा करते थे, रात्रि का समय हो दिन का समय हो,
किसी भी समय राजी सब सुंदर साथ को पर साक्षात राजी के दर्शन होने लगे थे। जाको दिल जिन भासो तसो मिले तिन विद्ध, मन चाहिया स्वरूप होई के कार्य किए सब सिद्ध। जिसके दिल में जैसी भावना थी उस रूप में राजी ने उनको दर्शन दिया। कोई ब्रजराज के स्वरूपों में भाव में डूबा है उसको उसी स्वरूप में पहचान करा दी। कोई मोहम्मद साहब को देखना चाहता है उसी रूप में दर्शन दिया। कोई परम धाम का युगल स्वरूप देखना चाहता है तो तन है मिहराज का महामती जी का वहाँ पर युगल स्वरूप दिखाई देते थे इन आँखों से। क्योंकि जब भावना हो जाती है कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ तो इस शरीर से संबंध अपने ही आप टूट जाता है। जब आप शरीर को देखेंगे शरीर की भावना में डूब जाएंगे तो परिणाम क्या होगा, आपको शरीर दिखेगा। कदाचित आप भाव विवल इस प्रकार हो जाएं कि आप शरीर की शुद्ध बुद्ध से परे हो जाएं तो बिना आँख मुदे लगता है कि सचमुच राज्य की झलक का आभास हो रहा है। लेकिन इसको सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए कि राज्य की झलक का आभास हो गया तो हमें राज्य मिल गए। आप तो उस प्रेम के कुछ पलों का आनंद ले रहे हैं। प्रेम की डगर पर जब आप कदम बढ़ा देते हैं तो पैमाना लेकर के मापने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जैसे जैसे पग धरे, कहावत कही जाती है एक कि जब मनुष्य को किसी परमहंस या महान विभूति के दर्शन करने चाहिए तो जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाना चाहिए वैसे वैसे अपनी राजसत्ता का पद प्रतिष्ठा का अहंग छोड़ते जाना चाहिए। क्योंकि झोपड़ी में बैठे हुए किसी परमहंस के धाम हृदय में परब्रह्म का स्वरूप विराजमान होता है। ये बात भूल जानी चाहिए कि हमने जो धन संपदा पद प्रतिष्ठा एकत्रित की है वो तो नश्वर की है, माया की है। हमारी ये आँखें माया के दृश्यों को देखती हैं लेकिन इन्हीं आँखों से राजी ने अपनी कृपा के द्वारा युगल स्वरूप को भी दिखा दिया और तो और सब कुछ अनुभूतियाँ करा दी। देवचंद जी को तीसरी बार जो दर्शन होता है श्याम जी के मंदिर में तो प्रत्यक्ष राज्य का होता है और इन नयनों से उन्होंने दर्शन किया। पहली बार जो दर्शन हुआ था पठान भेष के रूप में इन नयनों से देखा था लेकिन इस संसार का तन था आवेश स्वरूप ने धारण किया था, पता नहीं चल पाया। दूसरा जो दर्शन हुआ चितवनी में दर्शन हुआ, उनकी आंखें बंद थी, बंद आंख बाहरी आंखें बंद थी अंदर की आंखें खुली होती हैं। देखिए मैंने अभी कहा कई आंखें होती हैं। बाहर की जो आपकी आंखें हैं दो हैं, दो कान हैं, एक नासिका है, एक मुख है और दो आंखें हैं। एक शरीर की दो आंखें हैं बाह्य माया की, मन की भी आंखें हैं, बुद्धि की आंखें हैं। ये जो आंखें हैं ये जो हमारी आंख दिख रही है ये स्थूल इंद्रिय है। वास्तविक नेत्र की जो इंद्रिय है वो तो सूक्ष्म है जो अहंकार से उत्पन्न हुई है। जैसे इस आंख के नष्ट हो जाने के बाद भी हमारी देखने की जो शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर के रूप में नेत्र शक्ति दृष्टि शक्ति के रूप में मानी जाती है। उसके परे क्या है, उसके मन, उसका इंद्रियों का राजा कौन है, मन। इसलिए कहा है दृश्यते तु अग्रे बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, मन की आंखों से ज्ञान चक्षुओं से भी देखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा आप सोए हुए हैं, मन की आंखों से कैसे देखा जा सकता है, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, राज्य के भाव में खोए हुए हैं, आपने नख से सिख तक राज्य का श्रृंगार वाणी में पढ़ लिया है, हक मासुक के नेत्र अंग को गहराई से पढ़ लिया है, हक मासुक के मुख कमल को गहराई से पढ़ लिया है। ऐसी भावना कीजिए आपका मन पूर्णतया शांत हो जाए, आपके मन में कोई विकार न पैदा हो जाए। आपकी ये आंखें तो बंद रहेगी और बंद आंखें किए ऐसे भाव में डूब जाए कि राज्य का मुख कमल कैसा होगा तो ऐसी झलक पल भर के लिए आएगी कि जैसे सचमुच राज्य सामने आ गए हों। ये किसकी आंखों से देखा जा रहा है, मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से। एक और अवस्था आएगी, जीव जब अपने स्वरूप में स्थित होता है तो अपने चैतन्य स्वरूप से देखता है। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम,
आगे कहते हैं दूसरे सूत्र में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, चित्त वित्त निरोध है योग तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। ये दूसरे और तीसरे सूत्र हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, हम मन से जितना मनन कर रहे हैं, हमारा मन जितनी दौड़ लगा रहा है, सब समाप्त हो जाए, चित्त का चिंतन समाप्त हो जाए, सारे संस्कार समाप्त हो जाए, बुद्धि अपना काम करना बंद कर दे, तो हमारा जीव अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएगा। न उस समय स्थूल शरीर रहेगा, न सूक्ष्म शरीर रहेगा, न कारण शरीर रहेगा। जब चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार ही नहीं रहेंगे तो पुनर्जन्म होने का प्रश्न ही नहीं है। उस शुद्ध अवस्था में हमें अपने स्वरूप का बोध होगा कि हम हड्डी मांस के पुतले नहीं हैं। अभी तो हम हड्डी मांस के शरीर को देख कर कहते हैं कि ये हम ही हैं। यदि हमको बता दिया जाए कि आज हमारी मृत्यु होने वाली है, कल मृत्यु होने वाली है, तो हम कांपने लगते हैं कि क्या हम मर जाएंगे, क्या इस शरीर से रिश्ता हमारा टूट जाएगा, संसार से रिश्ता टूट जाएगा। आप सोचिए, जब आप युवावस्था में होते हैं, आपका सुंदर शरीर दिखता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कदाचित आप 95 साल के हो जाए, चला नहीं जाता, शरीर में रोग हो जाए, करा रहे हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि इससे तो मर जाता अच्छा था। आप उस समय की कल्पना कीजिए, उन लोगों को देखिए जो इतने भयंकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं कि शायद बिस्तर पर लेटने के बाद बाथरूम में जाना भी उनके लिए कष्टदायी होता है। जब ये स्थिति हो जाती है तो घर के लोग कहने लगते हैं, हे राजी, उनको जल्दी से उठा लीजिए, कष्ट देखा नहीं जाता, क्योंकि यही शरीर था जिसका हम इतना श्रृंगार करते थे। और हमारे शरीर से जब मल मूत्र बिस्तर पर गिरने लगते हैं तो इसी शरीर से सबको घृणा हो जाती है। यह वही शरीर है ना, जब इसका विवाह हुआ था तो कैसे कैसे वस्त्र आभूषण से सजाया गया था, इसको पुष्ट बनाने के लिए कैसे भोजन कराए गए थे। जब ये सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, जीव को अपना वास्तविक रूप देखने को मिलता है, तो कहता है कि मैंने अपनी चैतन्यता की आंखों से देख लिया। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम्, दृष्टा चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित होता है और इसके पश्चात प्रेम की धारा में डूबकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में स्थित होना अलग स्थिति है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना अलग स्थिति है। इन सबसे परे की बात कही जा रही है, जो कभी आसिक खोले नयन को तो पहले पकड़े दो उपाय। आसिक के नेत्र बंद हैं या खुले हैं, आप इस पर विचार कीजिए। जब तक आपकी आंखें संसार को देख रही हैं, जब तक आपके मन की आंखें संसार के बारे में सोच रही हैं, जब तक आपके जीव की आंखें अपने जीव भाव को नहीं छोड़ पा रही हैं, तब तक आप परमधाम की कल्पना न कीजिए। जब ये सब बंद हो जाएंगे, आपका शरीर भाव समाप्त, मन के संकल्प विकल्प सारे समाप्त, चार आ रहे, पांच आ रहे, सब छोड़ दीजिए, बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाए। बुद्धि की दौड़ भी विचित्र होती है, एक परंपरा जो चल पड़ती है तो हर कोई उसका आंख मूंद कर अनुसरण कर लेता है। जैसे एक चौपाई आती है, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया दिल का आगू आए लिए मेहरबान। इस चौपाई में कहा गया है कि अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। परंपरा से यही अर्थ होता रहा है कि श्यामा जी सुभान हैं और सब सखियों को लेकर अर्श मिलावा ले चली, राज्य की तरफ लेकर चलती हैं। सुभान शब्द वाणी में कहीं भी श्यामा जी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, हर जगह राज्य के लिए कहा जाता है। कहिया सुभान है मुझको हरफ 90,000, 30 तुम जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो तीसरे सुराखियों छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। यहाँ सुभान किसको कहा गया है, राज्य को, श्यामा जी को कहीं सुभान नहीं किया गया है। लेकिन परंपरा रूप से प्रायः सभी प्रसिद्ध विद्वान भी सुभान का अर्थ श्यामा जी करते हैं, हमारे सुभान कौन है, श्यामा जी। यह ठीक है, परमधाम की दृष्टि से राज्य और श्यामा जी में कोई भी भेद नहीं है, लेकिन वाणी में सुभान का अर्थ केवल राज्य के लिए प्रयुक्त होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब प्रेम की डगर पर कदम रखते रखते हमने शरीर को भुला दिया, इन शरीर की आंखों की पलकें तो पहले ही बंद हो गई हैं। आप चितवनी जब करने बैठते हैं
तो बाहर का संसार तो नहीं दिखता, लेकिन आपके मन ने लाखों जन्मों का जो संस्कार संसार अपने अंदर बसा रहा है वो दिखने लगता है। इस जन्म के भी सारे संसार की बातें आने लगती है। 3 दिन पहले आपने क्या बातें की थी, 5 साल पहले कौन आपके जीवन में आया था, संगे संबंधी सब याद आने लगते हैं। आप परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या करें, चितवनी करने की इच्छा इसलिए नहीं करती कि जब हम करते हैं तो मन भागने लगता है। मन तो भागेगा, क्योंकि आँखों के माध्यम से आपका मन बाहर के संसार को देख रहा था। जब आपने आँखें ये बंद कर ली तो आपका मन अपने अंदर लाखों जन्मों से जो संसार बसाया है उसको तो देखेगा, मन कुछ न कुछ करेगा। तो ये सोचना कि मन भागेगा ही नहीं, संभव नहीं है। हाँ, मन को रोकना होता है। मन रुकेगा कब, जब चित्त के संस्कार सतोगुणी बन जाए। चित्त के संस्कार कब उभरेंगे, जब हमारी बुद्धि सतोगुणी होगी। यदि आहार तामसिक हो जाएगा तो बुद्धि तामसिक अवश्य हो जाएगी। बुद्धि तामसिक होगी तो चित्त में पूर्व जन्मों के जो बुरे संस्कार हैं वही उभरेंगे। जैसे आपने कभी देखा है किसी योगी महात्मा को मांस खाते हुए, यदि वो मांस खा करके समाधि बैठेगा, शराब पी करके समाधि बैठेगा तो कहाँ से समाधि लगती है। सुंदर साथ में एक बहुत चर्चा विचित्र चला करती है, राजू स्वामी को जब देखो तो हमें अचार खाने से रोकते हैं, कोई कहता है लहसुन प्याज से रोकते हैं। अरे भाई, आपको जितना खाना हो खाइए, मैं आपको कौन होता हूँ मना करने वाला। लेकिन याद रखिए, आपको राज्य का सुख लेना है तो अपने मन को बुद्धि को सात्विक बनाना ही पड़ेगा। यदि आहार सात्विक नहीं हुआ, मैंने पहले भी 2 दिन पहले बात कही थी, तो आपके तामसिक आहार से आपके चित्त में तामसिक संस्कार उभरेंगे और उन तामसिक संस्कारों का प्रतिबिंब जो आपके मन पर पड़ेगा तो आपका मन पूर्व जन्मों के जो बुरे कर्म हैं उन तामसिक कर्मों की तरफ सोचने लगेगा, मन भागने लगेगा। चितवनी कहाँ से लगेगी, चितवनी तो तब लगेगी जब रजोगुण तमोगुण से आप परे हो गए, शुद्ध शांत ज्ञान की अवस्था में आ गए, उसके बाद विरह की अवस्था में आ गए। आपका शरीर तो स्थिर हो नहीं पाता, बैठते ही हिलने डुलने लगते हैं। पिक्चर देखते समय कोई हिले या डुले ना, लेकिन चितवनी के समय तो कितने लोग बैठे बैठे गिर जाते हैं। आप सोचिए हमारा समाज कितना अकर्मण्य हो गया है। मैंने कल भी कहा था, राधा स्वामी मत में 10 लाख लोग एक साथ बैठते हैं ध्यान करने के लिए, हमारे समाज में आज तक कोई दिन नहीं आया, 1 लाख तो क्या, 50,000 तो क्या, 10,000 भी कभी एक साथ चितवनी के लिए बैठते हो। कहाँ वो 10 लाख, कहाँ हम 10,000 भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, हम बाहर के संसार में विचरण कर रहे हैं, हम बाहर के संसार को देखकर खुश होते हैं। जब तक आप बाहर से नज़र हटाकर अंतर्मुखी नहीं होंगे। इस प्रकरण की पहली चौपाई किससे शुरू होती है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, आपका परम धाम मेरा हृदय है। श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जब ब्रह्मात्मा का हृदय धाम की शोभा को प्राप्त कर लेता है तो माणिक पहाड़ उसमें, माणिक पहाड़ के हिंडोले उसमें, युगल स्वरूप उसमें, परम धाम के 25 पक्ष 8 सागर की शोभा उसमें झलकने लगती है। और उसी धाम हृदय में ब्रह्मात्मा को अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप का दर्शन होता है। चौपाई कह रही है, जो कदी आसिक खोले नैन को तो पहले पकड़े दो पाए। अब ये उस अवस्था का वर्णन किया जा रहा है जब बाहर के नेत्र बंद हो चुके हैं, इस शरीर के स्थूल नेत्र पहले ही चरण में बंद हो गए, दूसरे चरण में हमने मन के नेत्रों को बंद किया, तीसरे चरण में बुद्धि चित्त के नेत्रों को बंद किया, उसके बाद जीव के नेत्रों को भी बंद कर दिया कि तुम शांत यहीं रहो, तुम आत्मा को जो आनंद मिल रहा है उसी में आनंद रहो, तुम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम को भूल जाओ, क्योंकि जीव पर आत्मा बैठी है। जब आत्मा परात्म का श्रृंगार करके मूल मिलावे में पहुंचती है अपनी अंतर्दृष्टि, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, इस मिट्टी के पुतले को हटा दीजिए। आपने माला पहनी है या नहीं, तिलक लगाया है या नहीं, ये राज्य नहीं देखेंगे।
आपने परात्म का श्रृंगार सजा है या नहीं राजी पहले ये देखेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत उठती हैं। राजन स्वामी को देखो तिलक नहीं लगाया, अरे भाई ये तो संसार की चीजें हैं। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम, सो परातम संग लेके विलसिय संग कसम। परात्म का श्रृंगार सजना पड़ेगा, परात्म का श्रृंगार सजे बिना, परात्म की भावना में भावित हुए बिना आप एक कदम भी निराकार से परे जा ही नहीं सकते हैं। थोड़ी बहुत बुद्धि की दौड़ लगाकर प्रयास करके बेहद में जा भी सकते हैं तो सत्स्वरूप से आगे जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए हमें परात्म के भाव में भावित होना होगा, विरह का श्रृंगार सजना होगा, प्रेम का श्रृंगार सजकर जब हमारी आत्मा मूल मिलावे में पहुँचती है तो ये तो संसार के नेत्र पहले बंद हो चुके हैं, अब कौन नेत्र खुलेंगे? जो आसिक खोले कदी नयन को, अब हमारी आत्मा के नेत्र खुल चुके हैं। हम इन आंखों से जब तक देख रहे हैं हमारी आत्मा के नेत्र बंद हैं, हम माया की आंखों से देख रहे हैं। माया की आंखों से देखते हैं तो क्या दिखता है? ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये कुल खानदान है। आत्मा की आंखों से देखेंगे तो क्या लगेगा? ये तो सब सपना है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो हम किसके पुत्र थे? जब हमारा जन्म ही नहीं था न हम किसी के पुत्र थे, न पिता थे, न पति थे, न पत्नी थे, हम तो कुछ नहीं थे। पता नहीं हमारा जीव किसी योनि में कहाँ भटक रहा होगा। अब ये माया का दृश्य दिख रहा है, हम उसी को सब कुछ समझे बैठे हैं, यहीं से भूल शुरू होती है। अब तारतम वाणी के प्रकाश ने हमें उस लक्ष्य पर पहुँचाना है जहाँ शरीर के नेत्रबंद, मन के नेत्रबंद, बुद्धि के नेत्रबंद, जीव के भी नेत्रबंध, केवल आत्मा अपने परात्म स्वरूप का श्रृंगार सच करके अपने प्राणेश्वर को देख रही है। और उसके बाद क्या करेगी? जो कदी आसिक खोले नयन को तो पहले पकड़े दोनों पाँव। दोनों पाँव को पकड़ने का तात्पर्य क्या है? चरण कमल दो तरीके से पकड़ा जाता है, एक ज्ञान दृष्टि से किसी के सम्मान में पकड़ा जाता है और एक प्रेम की दृष्टि से पकड़ा जाता है। बड़े जो वयोवृद्ध होते हैं, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं हम, किस लिए? उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए। यहाँ ज्ञान की अवस्था नहीं है कि राजी हमारे पूज्य हैं। राजी कौन है? हमारे प्राणेश्वर हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। संसार की भक्ति में पूज्य शब्द होता है, परमधाम की प्रेम लक्षणा भक्ति में पूज्य शब्द नहीं होता। कौन पूज्य बनेगा, कौन पुजारी बनेगा? दोनों तो एक ही हैं। हाँ, प्रेम की दृष्टि दोनों एक स्वरूप हैं। इसलिए यहाँ जो भाव लिया जाएगा, पहले पकड़े दोनों पाँव, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राज्य के दोनों चरणों को पकड़ते हैं। पकड़ने का तात्पर्य किस तरह से होता है? एक तो हाथ से पकड़ा जाता है, एक अंतर्दृष्टि से पकड़ा जाता है, प्रेम से पकड़ा जाता है। हमारी नज़र राज्य के चरणों में इतना डूब जाए कि पल भर के लिए भी वहाँ से हटे नहीं, इसको भी कहेंगे कि राज्य के दोनों चरणों को हमने पकड़ लिया है। संसार में हथेलियों से किसी वस्तु को पकड़ा जाता है, जैसे मैंने इस स्टैंड को पकड़ लिया। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मैं इस स्टैंड को देखने में इतना खो जाऊं कि मेरी दृष्टि इससे हटे नहीं, तो मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से तो इसको पकड़ ही लिया है, क्योंकि परम धाम में इस संसार की तरह मत्थे टेके नहीं जाते। आप देखिए, आप कह सकते हैं कि परिक्रमा में चौपाई आती है, इत आय आय के चरणों लागे, अष्टपर की लीला में ये वर्णन होता है। ऐसा क्यों किया गया? अष्टपर की लीला का वर्णन यहाँ के भावों से किया गया। हम 24 घंटे में जो कुछ लीला करते हैं उसी के अनुसार परमधाम के 25 पक्षों की लीला को दर्शाया गया है, ताकि इसी बहाने हम परमधाम को कुछ जान सकें। अनंत प्रेम के सागर को, अनंत सौंदर्य के सागर में एक बूंद लेकर अपने हम हृदय को तृप्त कर सकें और माया से परे होकर राज्य के चरणों का आनंद ले सकें, यही लीला का रहस्य है। अन्यथा राज्य को भूख नहीं लगती, राज्य को स्नान कराने की जरूरत नहीं है, जमुना जी में झीलना की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम नहाते हैं तो राज्य को भी स्नान कराते हैं। ये प्रेम के भाव हैं, इस संसार के अनुसार राज्य को सहन हम कराते हैं, राज्य को वनों में सहर हम कराते हैं, हर प्रकार की लीला हम उनके साथ करते हैं जैसा इस संसार में संभव है।
उन लीलाओं के माध्यम से हम अष्ट पर अपने को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारे और धनी के बीच में संसार कहीं खड़ा ना हो जाए। अब जैसे हम किसी के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो साष्टांग लेट कर प्रणाम करते हैं या बैठ कर प्रणाम करते हैं, हमें भी बाह्य रूप से कहा जाता है, केवल समझ में आने के लिए, जो कभी आंसू खुले नयन को तो पहले पकड़े दो पाँव। लेकिन आगे का चरण कुछ और विशिष्ट बातें कह रहे हैं, जिससे अर्थ स्पष्ट होता है कि पहले के दोनों चरणों का भाव क्या है। ए नयन अंग नूर जमाल के, देखने वाला कौन है? परमधाम की ब्रह्मात्मा। किसे देख रही है? अपनी आत्मा की दृष्टि से। एक बात देखिए, जो सुंदर सात भजनों की रौ में बह जाता है, वो नहीं सोचता कि इन भजनों में कई सैद्धांतिक त्रुटियां भी हो जाती हैं। जैसे कुछ भजन बने हैं, परातम को देखा जो अर्श पिया। परातम से कभी आप देख ही नहीं सकते, देखो रे पिया को परातम से। आत्म से देखा जाएगा, परातम से नहीं। परात्म से तब आप देखेंगे जब खेल खत्म हो जाएगा। जब तक ये जागने का ब्रह्मांड चल रहा है, आत्मा ही देखेगी। पर आत्म को आत्म देख सी तब टल सी उल्टो फेर जी। आप देखिए खिलवत के पहले प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि धाम धनी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे नेत्र खुले हुए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख रही हूँ। मेरी नज़रों में तो जहान है, संसार दिख रहा है, संसार दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे हैं। संसार का दिखना बंद हो जाए और राज्य दिखने लगे, यही तो जागनी है। इसके लिए तो चितवनी करनी पड़ती है। इसलिए आत्मा से ही देखा जाएगा परम धाम को, आत्मा से युगल स्वरूप को देखा जाएगा, आत्मा से ही अपनी परात्म को देखा जाएगा। इसको कहते हैं पर आत्म को आत्म देख सी तब टल सी उल्टो फेर जी। आत्मा अपनी परात्म को देखेगी, अपने युगल स्वरूप को देखेगी अपने आराध्य के, और आत्मा ही परम धाम के 25 पक्षों को देखेगी। अब आगे कह रहे हैं ये नयन अंग नूर जमाल के। ये नयन, आत्मा के नयन किसके हैं? आत्मा के जो अंग हैं, आत्मा किसका स्वरूप अंग है? धनी का। उसके नेत्र भी किसके अंग हैं? राज्य के। परम धाम में जब राज्य के अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, तो जिस अक्षरातीत का हृदय अनंत प्रेम का सागर है, आत्मा का हृदय भी तो अनंत प्रेम का सागर होना चाहिए। जब वह दृष्टि से देखेगी तो उसकी नजरों में संसार भला कैसे रह सकता है? यदि उसकी नजर राज्य के चरणों में पहले पड़ गई तो उनकी दृष्टि रूपी हथेलियों से वो चरण पकड़ लिए जाते हैं, यानी अंतर्दृष्टि नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा को देखने में डूब जाती है। चरण कमलों की शोभा को ऐसे देखने लगती है जैसे लगता है कि लांक तली लाली एड़ियाँ कैसी हैं, ये पिंडलियाँ कैसी हैं, नखों के नाखून, ये अंगुलियों के नाखून कैसे हैं और पंजे कैसे हैं, लालिमा कैसी है। इस शोभा में जब आत्मा डूब जाती है तो उसको संसार की स्मृति भला कहाँ से रह सकती है। इसीलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है ए नयन अंग नूर जमाल के, ए नयन अंग नूर जमाल के, सो ये आशिक से क्यों जाए। आत्मा के जो नयन है, ये नयन अंग नूर जमाल के, जिन नेत्रों से आत्मा अपने प्राणेश्वर के चरण कमलों को देख रही है, वो किसके अंग हैं? नूर जमाल के। और देख किसको रही है? नूर जमाल को। राज्य के अंग कौन है? हम। और हम किसको देख रहे हैं? जिसके हम अंगी हैं, जिसके हम अंग हैं। अंग अंगी को देख रहा है, सागर को उसकी लहर देख रही है। लहर में भी उतना ही जल है क्योंकि जितना सागर में है, क्योंकि वहाँ वहदत है। इस माया के संसार में लहर में कम जल होगा, सागर में अनंत जल होगा। परम धाम में ये रेखा, ये स्थिति नहीं है। हर बूंद में उतना रस होगा, परम धाम के एक फल में परम धाम के अनंत फलों का रस होगा। एक कण में उतना तेज होगा जितना संपूर्ण परम धाम में होगा, नहीं तो ये तो माया का सिद्धांत लागू हो जाएगा। यही कारण है कि परम धाम के वहदत में इस कृप का निर्णय नहीं हो सकता था और माया का खेल दिखाना पड़ा। यदि परम धाम में वहदत नहीं होती तो परम धाम में ही बता दिया जाता कि आशिक कौन है, सबका इश्क बराबर। वहदत कहिए उनको तन मन एक इश्क, जुदाई की जरा नहीं वहदत का बेशक।
सबके तन की शोभा एक जैसी हो, सबके मन एक जैसे हो, सबके अंदर प्रेम एक जैसा हो, किसी का प्रेम घट या बढ़ नहीं है, क्योंकि सभी के रूपों में कौन लीला कर रहे हैं? राज जी। यही बात है, जब हम परम धाम की नज़र से देखते हैं तो ये हमारी कहानी संसार की कहानी से उल्टी लगती है। जब हम संसार को देखते हैं तो लगता है कि राज जी हमको नहीं मिल सकते, लेकिन सागर की वाणी हमें उस लक्ष्य पर पहुंचा रही है जिसमें डूबने के बाद लगता है कि परम धाम की यह अनमोल वाणी हमें कितनी कृपा के बाद मिली है। आप सोचिए, परम धाम की इस ब्रह्मवाणी को पाकर यदि हम आज चितवनी की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे तो क्या संसार हमें क्षमा कर पाएगा? जब न्याय की लीला की, न्याय के दिन की लीला होगी, उस समय संसार के प्राणी तो यही कहा करेंगे कि हम क्या करें, परम धाम की ब्रह्मात्माओं ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं था। जो जितना बड़ा होता है उसके ऊपर उतना ही उत्तरदायित्व होता है। आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, किसी से गाली गलौज कर लेंगे वो क्षम्य होगा, देश का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति किसी से असभ्य भाषा में बात कर लेगा तो पूरे संसार में उसकी निंदा होगी, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, यु कैवित करी तपस्या, यु कहवत वीर वचन। जिन ब्रह्मात्माओं की चरण रज के लिए त्रैगुण तरसते रहे, ब्रह्मा विष्णु शिव तरसते रहे, वे परमात्माएं इस संसार में आकर कहें क्या करें, कमर में दर्द हो रहा है, क्या करें, पति का फोन आना है, क्या करें, बहुत काम है, अभी चितवनी के लिए समय नहीं है, ब्रह्मवाणी चिंतन के लिए समय नहीं है, तो इसके लिए क्षमा शब्द नहीं है। आप सोचिए, सीमा पर जवान लड़ते हैं, एक गोली लगती है, दूसरी गोली लगती है, आगे बढ़ते जाते हैं, पीड़ा हो रही है, सब सहते हैं, क्या अपने प्राणेश्वर को पाने के लिए आप थोड़ी देर कमर का दर्द नहीं झेल सकते, अपनी निद्रा से एक घंटा कम नहीं कर सकते, अपनी जीवा को थोड़ा देर बस में नहीं कर सकते, ये कड़क चाय, ये लहसुन, ये प्याज, ये तीखे अचार आपको क्या देंगे, क्षण भर की तृप्ति तो देंगे। आपने इधर से नज़र हटा ली, परात्म का श्रृंगार कर लिया, फिर देखिए आपका प्राणेश्वर आपके हृदय में है, प्राण की नली से भी निकट, जो बार बार कहता है हक नजीक से रख से आड़े पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। आज भी हमारी स्थिति वही है, वाणी पढ़ते हैं लेकिन अपने प्राणेश्वर को अपने प्राण की नली से भी अधिक निकट महसूस करने में हम असफल अपने को पाते हैं। याद रखिए, हमसे अच्छे तो वो वेद वाले हैं, वेद में एक मंत्र आता है, संगच्छत्तम संबद्धत्तम सम्मो मनांस जानताम देवाभागम यथा पुरम यत्र जनानम उपास्ते। संगच्छत्तम, हम साथ साथ चलें, संबद्धत्तम साथ साथ बोलें, सम्मो मनांस जानताम, हम सबके मन एक जैसे हों, और हमारा सुंदर साथ आपस में लड़ रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहा है, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में हम अपने जीवन के अनमोल समय को गंवा रहे हैं, आपका एक एक पल वेश कीमती है, करोड़ों की दौलत का आंकलन हो सकता है लेकिन जागनी ब्रह्मांड के एक एक पल की कीमत का आंकलन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ब्रह्मवाणी मिली है। अब अपने जीवन के हर क्षण को ब्रह्मवाणी के चिंतन में लगाइए, चितवनी में लगाइए, ब्रह्मवाणी को फैलाने में लगाइए, सबके हृदय में ब्रह्मवाणी गुजे, युगल स्वरूप की छवि गुजे, सभी प्राणनाथ जी की महिमा को जाने, आप अपना भी उद्धार करेंगे, दूसरों का भी उद्धार करेंगे, इसी में जीवन की सार्थकता होगी। यदि आपने बैठे बैठे केवल निंदा रस का पान करना शुरू किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे किसी तालाब में आप जाकर के डुबकी लगाते हैं तो केवल कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, वैसे एक बात याद रखिए, बैठे बातें करे बकर्स की तित भीष्ट वही बैठक, दुनी बातें करे दुनी की आखिर तितो जग। बस मैं इतना ही कहूँगा, आप इतनी दूर से पद्मावतीपुरी धाम में राज्य के दर्शन करने के लिए आए, धाम देने की आप पर अपार कृपा हो, मेरी यही शुभकामना। आज शरद पूर्णिमा की रात से का आज दिन है, इस जागनी के ब्रह्मांड में अपनी आत्मा की जागनी रास खेलने का अधिकार आपको है। घर जाकर आप ऐसा एक भी दिन न जाने दीजिए जिस दिन आपने चितवनी न किया हो। शरीर का भोजन छूट जाए, आप देवचंद की तरह प्राण लीजिए,
कि यदि चितवन ही नहीं किया तो शरीर का भोजन भी नहीं देना है. भले ही किसी काम में व्यस्त हैं, विवाह है, तो भी 10 मिनट तो अपने प्राणेश्वर के लिए दे दीजिए. 10 मिनट आप राज्य को नहीं दे सकते तो किस मुख से आप अन्न खाते हैं, किस मुख से आप शादी विवाह में नाचते कूदते हैं. इसलिए किसी कारण से वाणी का चिंतन न कर सके तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी राज्य को हृदय में बसा सकते हैं. आप बस ट्रेन में यात्रा करते हैं तो भी युगल स्वरूप को दिल में बसाइए. पूरा प्रयास कीजिए कि वाणी के चिंतन के लिए भी समय निकालिए. और रविवार के दिन, हर रविवार को आपके घर छुट्टी रहती है तो बैठ करके पिक्चर देखने की अपेक्षा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छी चीज़ें टीवी पर मिलती है तो देखिए, लेकिन 1 घंटा तो वाणी के प्रकाश के लिए अपने पड़ोस में जाइए. जो भी कोई मिलता है उसको ले जाकर साहित्य भेंट में दीजिए. तरह तरह के त्योहारों पर आप जो फिजूल खर्ची करते हैं उसको रोक करके अपने पड़ोसियों को, संगे संबंधियों को ले जाकर साहित्य दीजिए. प्राणनाथ जी की महिमा फैलाइए, ब्रह्मवाणी की गूंज कराइए. तो क्या होगा, जो मेरी शुद्ध दो और को तित चले तुम्हारा अवगम. आप इस बात को याद रखिए, सारा संसार यह जानने के लिए तरस रहा है परम धाम कहाँ है, परम धाम कैसा है. आप बात देखिए, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला एक बच्चा ख्वाब देखता है कि मैं अमेरिका जाऊँ, पैसा कमाऊँ. अमेरिका के लोग तरसते हैं कि कब हम हिंदुस्तान आए, हम ध्यान की प्रक्रिया सीखें. हमारे समाज की जो कमजोरी है, हमें तो सबको सिखाने वाला बनना चाहिए था. हम तो पिछली पंक्ति में खड़े हैं संसार के सामने. संसार वाले तरस रहे हैं. मैं कितनी बार देखा हूँ विदेशियों को, जब मैं कभी हिमालय में देखता हूँ, बेचारे घूमते रहते हैं कहाँ से हमें योग विद्या सीखने को मिल जाए, कहाँ से मिल जाए. और हमारा नवयुवक ये ख्वाब देखता है कब MBA कर लें, कब इंजीनियर बन जाए और अमेरिका की फ्लाइट पकड़ लें. किस लिए, कुछ कार मिल जाएगी, कुछ बंगला मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा. आपको राज्य ने परम धाम का अनंत धन दिया है, इसको संसार में बांटिए. संसार तो इसके लिए तरस रहा है. और यदि आप नहीं बांटेंगे, तीन मुख कहाँ हो सी जो हक सो बैठी मुख फेर, ये चौपाई किसके ऊपर चरितार्थ होगी आप स्वयं विचार कर सकते हैं. अब चौपाई दोहराई. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, ए नैन अंग नूर जमाल के, सो इन आसिक से क्यों जाए, सो इन आसिक से क्यों जाए. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे.